जय श्री राम दोस्तों, रामायण की ये जो कास्ट फाइनल हुई है ये सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप बोलोगे यार मैं यही कास्ट तो चाहता था। जैसे कि आप जानते हैं रणवीर कपूर और साई पल्लवी को तो लिया ही गया, लेकिन इसके साथ साथ जो नए कैरेक्टर्स आए वो तो बाप रे बाप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आप सभी देख रहे हैं स्टार टॉक शो। और आज हम बात करने वाले हैं रामायण की कास्ट के बारे में कि किस तरीके की कास्ट होगी और किस तरीके का डायरेक्शन होने वाला है। तो भाई आदि पुरुष ने जो हमारी जिंदगी खराब करी थी, हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसे जोड़ने के लिए वापस आ रहे हैं नीतीश तिवारी जी। जी हाँ दोस्तों, नीतीश तिवारी जी वापस फेविकॉल लेके फेविक्विक लेके आ रहे हैं कि हम सबका दिल जुड़ जाए। और उन्होंने बोला है कि वो पूरी पूरी भरपाई करने वाले हैं आदिपुरुष की। जैसे कि हम जानते हैं नीतीश तिवारी जी का डायरेक्शन किस प्रकार का रहता है। अरे नीतीश तिवारी जिन्होंने दंगल जैसी एपिक दी है, दंगल को बनाने में उन्होंने 2 साल का वक्त लिया था, तो हम समझ सकते हैं कि उनका डायरेक्शन कितना परफेक्ट होता है और किस तरीके से वो परफेक्शन की तरफ दौड़ते हैं। 2 साल का समय बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हर कुछ के लिए उन्हें समय दिया और एक परफेक्ट एपिक निकाल कर लाई। और इस बार तो नीतीश तिवारी ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि वो रामायण अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। मतलब समझ जाइए पूरा पूरा डिटेल है कि भाई वो बच्चों के लिए बना रहे हैं। मतलब वो क्या बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, अपने बच्चों को रामचरित्र दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए वो कितना एफर्ट डालेंगे आप खुद सोचिए। तो इस तरीके के परफेक्शन में काम करना नीतीश तिवारी चाह रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं भाई रामायण जैसी एपिक को बनाने के लिए हमें किसी परफेक्शनिस्ट की जरूरत है जो बिल्कुल परफेक्ट काम करे, और इस बार नीतीश तिवारी परफेक्ट चॉइस है। चलो अब हम बात करते हैं कास्ट की जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं। तो भैया रणवीर कपूर को राम भगवान के लिए कास्ट किया गया है। राम भगवान का कैरेक्टर रणवीर कपूर को दिया गया है तो वो पूरा जस्टिफाइड है यार। देखो कुछ भी हो, बंदा कैसा भी हो, कितना ही हो, कैसे ही हो, लेकिन यार एक्टिंग में फाड़ देता है रणवीर। कुछ भी कहो एक्टिंग में ना फाड़ देता है। अभी एनिमल देखी, मतलब उसकी जो भी मूवी देखी, सैड वाली मूवी देख लो, तमाशा देख लो, जो भी देख लो, रणवीर कपूर की एक्टिंग स्किल्स ना ग्रैंड लेवल है। और एक्टिंग स्किल्स के लेवल पे अगर मैं देखा जाऊं ना तो रणवीर कपूर राम के रोल में बढ़िया लगेंगे। तो भगवान राम का रोल उन्हें मिला है, उसका वो चरित्र भी दिखने लगा है। अभी एक बहुत उड़ती उड़ती खबर आई है कि रणवीर कपूर ने मांस वगैरह खाना, अल्कोहल पीना या कोई भी मीट खाना छोड़ दिया है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके बताओ। और कमेंट कर रहे हो तो याद रखना आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो भाई पूरी वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब भी करते जाओ यार, भाई का सपोर्ट करो यार। चलो अब बात करते हैं सीता माता की। तो सीता माता के रोल में साई पल्लवी को लिया गया है। साउथ की एक्टर है साई पल्लवी को ना, मतलब सीता माता जैसी लगती है यार। पहले ना आलिया भट्ट को लिया जाने वाला था, लेकिन आलिया भट्ट में ना वो क्यूटनेस वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन ना वो सिंप्लिसिटी नहीं थी जो सिंप्लिसिटी साई पल्लवी में है। कैसा लगा आपको साई पल्लवी की चॉइस जो अपन को सीता जी के लिए रखी गई है? मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया भाई, बहुत अच्छा काम किया। वहीं कैकई के लिए लारा दत्ता को रख लिया गया है। लारा दत्ता कैकई के रोल में आने वाली है, जो कि अच्छी चॉइस है क्योंकि लारा दत्ता का चेहरा जो है वो कैकई के जैसा लगता है यार, तो भाई परफेक्ट चॉइस परफेक्ट। वहीं एक और उड़ती खबर ये है कि भाई बॉबी देओल को कुंभकर्ण के रोल के लिए रखा गया है। बॉबी देओल, लॉर्ड बॉबी देओल कुंभकर्ण के रोल में। कंफर्म नहीं है कि सच में बॉबी देओल करेंगे या नहीं, लेकिन अगर ये खबर सच्ची है तो इंटरेस्टिंग तो होने वाला है। वहीं विभीषण के रोल में विजय सेतुपति, दी विजय सेतुपति आने वाले हैं। तो विभीषण का रोल विजय सेतुपति निभाएंगे। मेरे को तो लग रहा था कि कुंभकर्ण का विजय सेतुपति को देना चाहिए था, क्योंकि यार वो बंदा लगता है ना कुंभकर्ण टाइप। लेकिन फिलहाल विभीषण के रोल के लिए विजय सेतुपति को चुना गया है, जो कि कितनी अच्छी चॉइस है फिर से कमेंट करके आप बताओ। वहीं रावण, रावण द ग्रेट रावण के लिए यश को रखा गया है। भाई यश ना विलेन के रोल में एक तो वैसे ही बहुत ज्यादा जमता है, KGF में अपना स्टैंडर्ड सेट कर चुका है, और इस बार रावण के रोल में यश को रखा गया है। ग्रैंड 10 सिर बॉडी। अभी मैं AI वाले AI वर्जन जो आ रहे थे रावण के बने, यश को बनाया जा रहा था, वो सब देख के मैं भौचक्का हो गया था कि कितना इंटरेस्टिंग दिखने वाला है रावण का कैरेक्टर। तो भाई दिल गदगद हो गया यार यश को देखने के बाद। और अब बात आती है सबके फेवरेट, ये दिल से जो आप इंतजार कर रहे थे कि भाई हनुमान का कैरेक्टर कौन करेगा, तो अभी हमको खबर मिली है कि हनुमान का कैरेक्टर सनी देओल करने वाले हैं। भाई सनी देओल, सनी ओए हाथ लगता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो यार सनी देओल को तो परफेक्ट चुन लिया गया, क्योंकि जब उनका हाथ लगता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और वही वही रोल है हनुमान जी का भी, क्योंकि जब उनका हाथ लगता है ना कोई उठता नहीं है, सीधे उठ जाता है। तो भगवान श्री हनुमान का रोल निभाने वाले हैं सनी देओल जी। तो भाई ये सब कास्ट आई है। और एक और खबर ये आई कि नवीन पॉली शेट्टी को लक्ष्मण का रोल मिलने वाला है, वो अभी कन्फर्म नहीं है। बाकी भी रोल्स अभी टोटली कन्फर्म नहीं है कि सच में ये मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये सब रोल मिलते हैं
तो अभी ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रोल्स है भाई, जो देखने में मजा आ रहा है। तो भैया मैं तो नीतीश तिवारी जी की इस रामायण के लिए बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा हूं। मैं पहले सीन देखना चाहता हूं, सच में कास्टिंग देखना चाहता हूं, पूरे सब कुछ दिखा दो यार मेरे को। और मैं सुनने में आ रहा है कि ये जो 2 साल फिर से लेने वाली है या फिर 6 महीने में शूट होने वाला है, फिर VFX में काम किया जाएगा, क्योंकि इसके VFX बहुत ग्रैंड लेवल पे करे जाने वाले हैं और इसका बजट भी बहुत ज्यादा होगा। तो भैया सबकी अपडेट हमारे चैनल में मिलेगी ना, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं न्यू रिव्यूज में, बहुत सारे रिव्यूज, बहुत सारी कहानियां, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए।